Hello friends, this is Shahid Sayed and I am the owner of GST Seva Kendra.in. ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ये वीडियो है ई इनवॉइसेस से रिलेटेड. जो नोटिफिकेशन पास हुआ था 21st of March 2020 को, तो नोटिफिकेशन नंबर 13, नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 डेटेड 21st of March 2020. आपको पूरा नोटिफिकेशन मैंने बता दियो. अब उसमें गवर्नमेंट ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कौन सी कंपनीज है जिसको ई इनवॉइस बनाना है, मतलब INC1 एंड INV01 फॉलो करना है, और ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको INV01 फॉलो नहीं करना है, यानी एक्सेप्शनल केस में आती है वो सारी चीज़. पहले तो नोटिफिकेशन 13 की बात करते हैं. उसमें गवर्नमेंट ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के अबाव है उनको ई इनवॉइस मैंडेटरी फॉलो करना है, एक्सेप्ट. अब उन्होंने एक्सेप्शनल केस डाल दिए. ऐसी एक्सेप्शनल केस डाले, उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया कि एज पर CGST रूल 54 सब रूल 2, 3, 4 एंड सब रूल 4 में 4A में जो कंपनीज आती है उनको ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है. अब तो पहले ये जानना पड़ेगा कि CGST रूल 54, 2, 3, 4 और सब रूल 4A में कौन कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है. तो मैं पहले सबसे पहले 54(2) की बात करता हूँ. रूल्स है, ये एक्ट नहीं. रूल CGST रूल्स 54 सब रूल 2 में कौन सी कंपनीज आती है, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये लोग ई इनवॉइस ही अपने कस्टमर को रेस करते हैं, तो इनके ऊपर ये एक्ट, ये रूल्स एप्लीकेबल करना वेस्ट है. ऑलरेडी ये लोग ई इनवॉइस ही अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो ये इनको एक्सेप्शनल केस में रख दिया गया है. इनको ई इनवॉइसिंग का रूल्स फॉलो नहीं करना है. सेकंड कौन सी कंपनी है कि ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड ट्रांसपोर्ट बाय रोड. ऐसी कंपनीज जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और ट्रांसपोर्टेड बाय रोड, ये उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि ये कौन सा 54 सब रूल 3 की बात कर रहा हूँ. 2 मैंने बता दिया. 2 में कौन सी आती है? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब 54 सब रूल 3 में कौन सा? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड ट्रांसपोर्टेड बाय रोड. वो कंपनी, ऐसी कंपनीज है जिसके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा. कौन सा? जो नोटिफिकेशन आया कि अगर ये कंपनीज का मोर देन 100 करोड़ भी टर्नओवर है तो उनको ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है. रूल 54 सब रूल 4 क्या बोलता है वो चीज़ हम लोग एक बार देख लेते कि 54 सब रूल 4 क्या चीज़ है. हाँ, जैसे कि 54 सब रूल 4 में ये चीज़ मेंशन किया है कि जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती है उनकी ई टिकटिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग आजकल है. आप कोई भी ट्रैवल, जैसे आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली बनती है, तो उसको गवर्नमेंट मानती है कि ये प्रिज्यूम टू बी इन्वॉइस है. भले उसमें सप्लायर की डिटेल्स, यानी सप्लायर की नहीं, रिसिपेंट की डिटेल्स हो ना हो, लेकिन ये टैक्स इन्वॉइस मानी जाती है. तो ई टिकटिंग की जो कंपनीज होती है ना, ई टिकट जो इशू करती है, वो 54 सब रूल 4 में आता है. उनको डिफाइन किया गया है कि आपको इन्वॉइस किस तरीके से बनाना है, तो ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं. ये सारी चीज़ें एक्सेप्शनल केस में. अब 54 सब रूल 4A में कौन कौन सी कंपनीज आती है? हाँ, जैसे सिनेमाटोग्राफिक. आप कोई पिक्चर्स की टिकट बुक करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली बुक करते हो, या जाके आप कोई भी सिनेमा में, उनको डिफाइन किया गया है कि आपको किस तरीके से इनवॉइस वगैरह बनाना है, तो ये एक्सेप्शनल केस में आता है. तो पूरा कंक्लूजन नोटिफिकेशन 13 का मैं ये बता दूँ कि वो कंपनीज को ई इनवॉइस बनाना है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के अभाव है. 100 करोड़ के अभाव रहना चाहिए, पहले तो ये मैंडेटरी है, 100 करोड़ के अभाव रहना चाहिए. एक्सेप्ट कौन सा? रूल 54 सब रूल 2, 3, 4 एंड 4A. जैसी मैंने आपको सारी बताया, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्टेड बाय रोड, फिर उसके बाद ई टिकटिंग वाली जो कंपनीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो ई टिकट ही इशू करती है, तो उनको ई इनवॉइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. चौथा, सिनेमाटोग्राफिक की जो कंपनीज होती है, जो पिक्चर्स वगैरह जिसके ऊपर जो टिकट्स भी अपनी ई टिकट ही देती है, तो उनको
इनवॉइस बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो इनको ये सारी चीजें एक्सेप्शनल केस में रखा गया है। तो इनका भले टर्नओवर, ये जो आपको जो रूल्स 54 सब रूल 2, 3, 4, 4A की जो कंपनीज है, भले इनका टर्नओवर 100 करोड़ के अभाव है, फिर भी इनको ई इनवॉइस का जो रूल्स है वो उनको फॉलो नहीं करना है। ये नोटिफिकेशन 13 बोलता है। नोटिफिकेशन 14 बहुत इजी है। वो क्या बोलता है कि आपको अपने इनवॉइस में QR कोड भी प्रिंटेड रहना चाहिए अगर आपकी कंपनीज 500 करोड़ के टर्नओवर से ज़्यादा है। बस इतने ही है, बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपकी कंपनीज का टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है, तो आपके इनवॉइस में QR कोड भी स्कैन, जो QR कोड आपने देखे होंगे पेटीएम्स में या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में देखे होंगे, एक ऊपर QR कोड प्रिंटेड होता है, तो वो इनवॉइस में भी QR कोड प्रिंटेड होना चाहिए। वो के अब रूल नोटिफिकेशन 14 में भी एक्सेप्शनल केस में रखा है कि ये QR कोड किसको एक्सेप्शनल है, सेम जो 13 में था, रूल्स 54 सब रूल 2, 3, 4, 4A में जो कंपनीज आती है उनको ये रूल्स फॉलो नहीं करना है, नोटिफिकेशंस फॉलो नहीं करना है। तो ये वीडियो में इतना ही था। नोटिफिकेशन 13 और 14 आपको डिफाइन कर दिया कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको ई इनवॉइस मतलब ई आई एन वी 01 फॉलो करना है, और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको ये फॉलो नहीं करना है, और QR कोड किसको प्रिंटेड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो, अगर बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह इसी तरीके से जो भी कंटेंट मेरे पास रहेंगे बेस्ट कंटेंट, और आपको मैं यानी मैं आपको आप तक पहुंचा के रहूँगा, जो भी रहेगा बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा मेरे तरफ से। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर।